बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया है। मायावती ने कहा कि राहुल गांधी ने यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ा ही नहीं। उन्होंने कहा कि वो अपने बिखरे घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, हम पर कटाक्ष कर रहे हैं। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही घिनौने हथकंडे अपना रही है। श्री राहुल गांधी का कल सार्वजनिक तौर पर ये कहना कि कांग्रेस द्वारा यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन करने व मुझे सीएम बनाने के ऑफर पर मैंने ना कोई जवाब दिया तथा इस बारे में उन्होंने बात तक भी नहीं की है, ऐसा उनका कहना है। ये बात पूर्णतः गलत है, तथ्यहीन है, अर्थात इसमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है। जबकि यूपी विधानसभा चुनाव के घातक नतीजों पर हर विपक्षी पार्टियों द्वारा समीक्षा होनी चाहिए, किंतु ऐसी तथ्यहीन बातें नहीं करनी चाहिए। वैसे भी कांग्रेस को विपक्षी पार्टियों में से खासकर बीएसपी व उसके नेतृत्व के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करने से पहले सो बार सोच समझ कर लेना चाहिए कोई भी टीका टिप्पणी करने से पहले। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को बसपा प्रमुख मायावती पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि मायावती ने चुनाव ही नहीं लड़ा। राहुल ने कहा था कि हमने मायावती को संदेश दिया था कि गठबंधन कर लीजिए और मुख्यमंत्री बनिए, उन्होंने बात तक नहीं की। जिन लोगों ने अपना खून पसीना देकर उत्तर प्रदेश में दलितों की आवाज को जगाया, आज मायावती कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए नहीं लड़ूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।